सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं आप? जब दिल्ली से हैं तो जाहिर सी बात है बुंदेलखंड का नाम सुना ही होगा, और ये बुंदेलखंड एरिया है, तो आपको बुंदेलखंड एरिया सबसे पहले कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो वहाँ पे एकदम ही शहरी अपब्रिंगिंग रही है मेरी, और गांव में आके जिस तरह से हमारा स्वागत हुआ है, और ना ही स्वागत लेकिन गांव की जो फैसिलिटीज़ है, यहाँ का स्कूल इतना बढ़िया है, दिल्ली में भी गवर्नमेंट स्कूल कुछ इससे बढ़िया तो होते नहीं, और हर तरह से बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी पता चल रहा है कि हमारा देश एक्चुअली आगे बढ़ रहा है, इतना भी गाँव के अगर ये सिचुएशन है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। नमस्कार, मैं सुश्री, मैं केरला से हूँ। केरला से आपने यहाँ पे जो प्रशिक्षण के लिए आए हैं और यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं या फिर जो भी समस्याएं हैं, क्या इसमें फ़र्क मिला है आपको भी यहाँ पे, जो हकीकत है और जो कागजी कार्रवाई है उसमें कितना फ़र्क मिला? फ़र्क की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। जैसे गवर्नमेंट बहुत अच्छी काम करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकालती है, सब करती है, लेकिन वी हैव टू सी वेदर इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल वो समझने के लिए हम आए हैं, कोई उस पर जैसे कमेंट्स करने या उतना हम हो नहीं रहे हैं, वी आर जस्ट ऑफिसर ट्रेनर्स। अच्छा, आपको ग्रामीण तो परिवेश कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं केरला की हूँ तो केरला ऑफकोर्स इट्स काइंड ऑफ डेवलप्ड है, और बहुत डेवलप्ड सोशल इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग, दे आर वेरी क्लस्टर्ड, एक साथ है, लोग भी बहुत मिलजुल के रहते हैं, दे हैव लॉट ऑफ टाइम, दे आर वेरी मच कोऑपरेटिंग, लाइक टू टेल अस कि वो हमसे मिलना चाहते, वो हमें उनके घर ले जाके सब बताना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा, इट वॉज काइंड ऑफ वेरी इंसाइटफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा सर, सर जैसे आप लोग यहाँ प्रशिक्षण पे आए हैं, हाँ जी, तो अभी हाल में आपने यहाँ क्या क्या देखा है और कैसा लगा आपको यहाँ का माहौल पहले? जैसे मयूर जी आपसे बोले कि गांव में आके बहुत अच्छा लगा, जनरली हम लोग सब शहरी बैकग्राउंड से हैं, हालांकि हम लोग बहुत बार गांव जा चुके हैं, बट ये एक अलग नज़रिया से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कीमें कैसे चल रही है, हम लोग अलग, अदरवाइज़ हम लोग गांव जाते थे ऐसे छुट्टियों में जाते थे, तो ये गाँव में रहना, गाँव के अंदर ही बैठना, जैसे हम लोगों को अलग जगह रहने के लिए भी था बंदोबस्त, बट हम लोग गाँव में रहने के लिए हम लोग सोचे, सीधा गांव में एक्चुअल क्या होता है वो पता चले। तो हम लोग कल गांव का भ्रमण किए, जैसे स्टार्टिंग मंदिर से लेके पूरा डिफरेंट बस्तियों से हम लोग देखे कि कितना कुछ हम लोगों का बस 3 दिन का स्टडी। क्या आपको लगता है कि जो अभी व्यवस्थाएं या सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें कुछ चेंजिंग होनी चाहिए? देखिए, क्योंकि यूपी का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से कोई भी सरकारी चीज़, हम लोग जैसे क्योंकि साउथ से भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उधर जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है बहुत सारे इंडिकेटर से बहुत अच्छे हैं, तो हम लोगों का हमेशा जैसे बोलते हैं कि डेवलपमेंट हमेशा एक चलती है, उसका कोई अंत नहीं है, तो हम लोग हमेशा चाहें कि इसमें बदलाव बहुत हमेशा स्कोप रहता है इससे अच्छा बेहतरीन करने के लिए। बट इंस्टीट्यूशन वाइज हम लोग जैसे देखें कि बहुत सारे नोडल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब वेल फंक्शनिंग, जैसे स्कूल का कैंपस इज़ वेरी वेल, वेरी गुड मेंटेन, बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जितने सारे अधिकारी वो बहुत सही जगह पे हैं, और स्कीम को कैसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करा जाए और लोगों के नीड के हिसाब से फिर कैसे उनका, जैसे जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए आवास योजना का, बहुत लोग हम लोगों को उनकी डिमांड है और बट जो सप्लाई साइड में है वो कितना, वो डिमांड सप्लाई मैच मिसमैच कैसे होता है वो हम लोगों को फिर देखना है, क्योंकि जनसंख्या ही इतनी है तो उनके हिसाब से कैसे उनकी मांगे सब पूरा करा जाए और बाकी जो दिक्कतें हैं उसको कैसे ठीक करा जाए वो हम फिर बात करेंगे। क्या नाम है? सभी को नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और मैं कर्नाटका से आता हूँ, कर्नाटका का रहने वाला हूँ। अभी प्रशिक्षण जो चल रहा है आप लोगों का, तो आप लोगों के इस प्रशिक्षण में कैसा लग रहा है सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं क्योंकि कर्नाटका से आता हूँ तो मुझे मेरा भी जो डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ वो भी ज़्यादा डेवलप नहीं है, और जब मैंने यहाँ पर आया तो मुझे काफ़ी बहुत चीज़ें एक जैसी दिखीं, ज़्यादा कुछ यहाँ बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस नहीं लगा, ख़ासतौर से इस डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो झांसी डिस्ट्रिक्ट में और इस गांव में। और जैसे कल हम लोग महिलाओं से मिले, जो एसएचजी की महिलाएं थे उनसे मिला, हम लोगों को मिलने का मौका मिला
और काफ़ी जो चीज़ें हमने किताबें में पढ़ी थी कि SHG का जो फंक्शनिंग से महिलाओं को कितना बेनिफिट होता है, तो हमने कल अपने आँखों से देखा वो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ कि जो चीज़ हम किताबों में पढ़ते हैं वो अपने सामने हमको देखने का मौका मिला। तो किताबों में और हकीकत में कितना फ़र्क मिला कुछ समझ में नहीं? जैसे कि मैंने आपसे बताया, बहुत ज़्यादा हमको फ़र्क नहीं महसूस हुआ, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी, जब हमने कल महिलाओं से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, चाहे वो घर की सेविंग्स में हो, घर के डिसीजन मेकिंग में हो, तो बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट मिला है इस चीज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयूर काथावटे है। कहाँ से? मैं महाराष्ट्र से हूँ। सर, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं शिक्षण के लिए, आपने यहाँ पे क्या क्या देखा? हमने पहले तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के फंक्शनरीज है, जैसे प्रधान हो या फिर सचिव हो, BDO हो, जो सारे जो यहाँ पे काम करे इस स्तर पे, उनसे हमने मुलाकात की, यहाँ की जानकारी लेने का ये चाहा, और यहाँ का गांव का स्टडी करना हमारा मेन पर्पज़ है कि गांव में क्या क्या स्कीम्स कैसे इम्प्लीमेंट होती है, गाँव का इन्वायरमेंट कैसे होता है, गाँव में क्या क्या होता है, लोग कैसे होते हैं, ये सबका स्टडी करना, और इसका फिर हमें आगे जाके, हम जब सर्विस में जाएंगे एक्चुअली काम करेंगे, तब इसका हमें उपयोग होगा। ग्रामीण एरिया में तो क्या आप उन व्यवस्थाओं को देखकर संतुष्ट हैं कि उनमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, संतुष्ट है या नहीं बताना अभी, तो क्योंकि हम अभी हम उसकी जानकारी ले रहे हैं, बट जैसे ओवरऑल हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छा यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे आप अभी युवा हैं और आगे आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, तो उस हिसाब से आपको लगता है कि कुछ अभी और चेंज होना चाहिए? हाँ, चेंज तो और डेवलपमेंट की तरफ तो जाएगा, क्योंकि सबका ये, सबको अच्छे घर मिलेंगे, सबको अच्छी सुविधाएं मिलना, आगे तो सबको बढ़ना ही है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं बाकी राज्यों के हो या फिर इधर UP में। सब्सक्राइब कीजिए UP ताज़ा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएँ।